नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों आज मैं बात करूंगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज बीएससी में इसका प्राइस 12 रुपया 56 पैसा और एनएससी में इसका प्राइस रहा 12 रुपया 55 पैसा। और अगर आप लोगों को याद होगा तो इसके पहले मैंने एक जो वीडियो बनाया था वोडाफोन के ऊपर, उस पर मैंने कहा था कि वोडाफोन के ऊपर जो 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है उसके लिए वोडाफोन के पास अब सिर्फ 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में अपना क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करे और कुछ जो है वो समय की या मोहलत की मांग करे, या अपना जो लोन है उसको कम करने की बात करे, लोन नहीं जो बकाया है उसको कम करने की बात करे। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था कि वोडाफोन का के पास ये है कि वो सरकार से कुछ बेल आउट पैकेज का डिमांड करे कि भाई इतना तो हम दे नहीं सकते, जो मेरा पैसा है वो कुछ कम कर दो और मुझे कुछ मोहलत दो ताकि कि मैं आपका पैसा लौटा सकूं। और तीसरा कारण, तीसरा ऑप्शन मैंने ये बताया था कि वोडाफोन का कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है और जियो के आने से पहले अगर एयरटेल को किसी ने टक्कर दिया था, किसी ने चुनौती दी थी, तो वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ही था। अब ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो गया है। इसके शुरू में ये हच के नाम से जाना जाता था और एयरटेल का पैरेलल ही हच को भी माना जाता था और हच का नेटवर्क भी बहुत अच्छा माना जाता था। तो आज भी वोडाफोन के पास कस्टमर बेस बहुत अच्छा है और वोडाफोन का एसेट भी बहुत अच्छा है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इसके काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो इस केस में मैंने ये कहा था कि अगर कोई एक बड़ा हाथ, मतलब कोई अगर बहुत बड़ी कंपनी वोडाफोन की तरफ अगर हाथ बढ़ाती है, इसके साथ पार्टनरशिप करती है, इसे हाथ मिलाती है और इसका कुछ स्टेक लेकर के इसको अगर पैसा देती है, इसके पास लिक्विडिटी आ जाता है वोडाफोन के पास, तो वोडाफोन उस पैसे से अपना कर्जा चुका सकता है और अपने ऑपरेशन को स्मूथली वो रन कर सकता है। मैंने ये 3 ऑप्शन बताए थे। तो अभी जो वोडाफोन का जो सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुआ है, उस हेयरिंग की मैं बात पहले करता हूँ और मैं ये बताता हूँ। ये देखिए, वोडाफोन ने 1 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज को लेटर लिखा था, एनएससी और बीएससी दोनों को, और उसमें इसने बताया था, ये देखिए इसने लिखा हुआ है कि परसुएंट टू रेगुलेशन 29(1)(d) ऑफ द सेबी लोडर रेगुलेशंस, वी विश टू इन्फॉर्म यू डेट ए मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन सितंबर 4, 2020। मतलब ये 4 सितंबर को जो है वोडाफोन एक मीटिंग करने जा रही है जिसमें कि ये फंड रेज करने के बारे में बात करेगी। मीटिंग ऑफ द बोर्ड शेड्यूल टू बी होल्ड ऑन इतना इतना टू कंसिडर एवलुएट एंड ऑल प्रपोजल रेजिंग फंड। ये देखिए लिखा हुआ है, ये All proposals for raising of funds in one or more tranches by the way of public issue। ये fund कैसे raise कर सकती है? Public issue या preferential shares वगैरह दे करके ये अपना fund raise कर सकती है। तो एक इसने अपने liquidity बढ़ाने के लिए जो है अब सोचना शुरू कर दिया है वोडाफोन ने, और इसके लिए इनका 4 सितंबर को मीटिंग होने जा रहा है और इसके लिए इन्होंने जो है एक्सचेंज को इन्फॉर्म भी किया है, 1 तारीख का ये लेटर है। तो मैं जो भी ऑथेंटिक मानता हूँ वो मानता हूँ बीएससी या एनएससी में जो लेटर, जो भी कंपनी जो है इन्फॉर्मेशन देती है उसको मैं ऑथेंटिक मानता हूँ। तो 1 सितंबर का ये जो है इन्फॉर्मेशन वोडाफोन ने दिया है 1 सितंबर को एक्सचेंज को। दूसरा अगर आप ये देखेंगे तो 2 सितंबर को फिर वोडाफोन ने एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया, उसमें उसने कहा कि अपडेट ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन एजीआर मैटर, यानी एजीआर मैटर पे जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पे ये कंपनी अपडेट दे रही है, रेफरेंस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो भी है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि वी विश टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ डेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 1 सितंबर 2020 को जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में इसने बताया है, डायरेक्टेड डेट द टेलीकॉम ऑपरेटर सेल ऑल द फर्स्ट इंस्टेंस मेक द पेमेंट ऑफ 10% ऑफ द टोटल ड्यूज एज डिमांडेड बाई DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन बाई 31 मार्च 2021। मतलब कि जो टोटल ड्यू है उसका 10% जो है डिमांड किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकोम्युनिकेशन ने
जो है 31 मार्च 2021 तक इनको देना है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई है, द टेलीकॉम ऑपरेटर्स देन हैव टू मेक पेमेंट इन ईयरली इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 अप टू द 31 मार्च 2031 2031। यानी कि जो बचा हुआ जो पेमेंट है वो ईयरली बेसिस पे ये लोग इंस्टॉलमेंट में देंगे, जो कि इनका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2031, यानी 10 साल में इनको जो है वो अपना ड्यू क्लियर करना है। तो ये जो है इन्होंने ये देखिए 10 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, तो ये जो है इनका 10 साल में करना है, यानी कि 10% इनको देना है 31 मार्च 2021 तक, और उसके बाद इनको 10 साल में जो है ईयरली इंस्टॉलमेंट में इनको अपना पैसा चुकाना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया है। ये इन्होंने दूसरा लेटर दिया। अब मैं अगर आज की बात करता हूँ, आज जैसे आप देखेंगे कि वोडाफोन के इसमें शेयर में ये जो प्राइस में जो आज उछाल आया है, और ये 2.65 रुपया का और दोनों एक्सचेंज पे उछाल आया है, जो कि टोटल परसेंटेज 26.74% का उछाल है, यानी मोटा मोटी देखिए तो 27% का जो उछाल आया है। इसके पीछे भी आज एक न्यूज़ को बताया जा रहा है, उस न्यूज़ के कारण जो है ये शेयर में तेजी देखने को मिली है। वो न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज़ है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया था कि अमेजॉन वेरिजॉन में इन्वेस्ट ओवर $4 बिलियन इन इंडियाज वोडाफोन आइडिया। यानी कि जो अमेजॉन है और जो वेरिजॉन कंपनी है, ये वोडाफोन में $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, ये जो है ये रिपोर्ट आया था, और ये जो है ये आया है इकोनॉमिक टाइम्स में। दूसरा न्यूज जो है वो आप देखिए यहाँ पे आया है इंडियन एक्सप्रेस में, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, इसमें भी वही आया है अमेजॉन वेरिजॉन में इन्वेस्ट ओवर इतना $4 बिलियन इन वोडाफोन आइडिया। उसके बाद फिर जो है आप ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड में भी यही न्यूज आपको देखने को मिलेगा, और इंडिया टुडे में देखिए फिर वही न्यूज है, उसके बाद ये न्यूज 18 में भी देखिएगा तो आपको यही न्यूज देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूज जो है आज सुबह सुबह ही आया था, और वोडाफोन में जो है एक तेजी आने का कारण ये भी बताया जा रहा है कि लोगों को लगा कि अब $4 बिलियन जो है ये अमेजॉन और वेरिजॉन जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वोडाफोन के पास लिक्विडिटी आएगा, और उससे वो अपना जो इसका जो बकाया है AGR का वो चुका सकता है। तो ये तीसरा ऑप्शन है जो कि मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि तीसरा ऑप्शन वोडाफोन के पास यही है कि कोई बड़ा प्लेयर आकर इसके साथ हाथ मिलाए और इसका जो कर्ज का बोझ है उसको चुका दे या कम करे इसमें कुछ स्टेक लेने के बाद। तो ये न्यूज़ जो है वो आ रहा था, और लोगों ने इस न्यूज़ को सुबह में देखते हुए इसके अंदर काफ़ी खरीदारी की इसके अंदर। इसी का रिजल्ट है कि शेयर जो है वो 27% से जो है वो अप कर गया। अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये अगर मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको, ये देखिए ये वोडाफोन ने आज 3 सितंबर को, ये देखिए 3 सितंबर का है, ये 3 सितंबर को ये वोडाफोन ने, ये आपको BSE पे भी लेटर मिल जाएगा, ये जो भी जितना मैं लेटर दिखा रहा हूँ PDF दिखा रहा हूँ ये आपको BSE पे भी मिल जाएगा। तो ये देखिए इसने स्टॉक एक्सचेंज को जवाब दिया है, रिप्लाई टू क्लेरिफिकेशन शॉर्ट ऑन न्यूज आइटम, यानी न्यूज आइटम पे जो क्लेरिफिकेशन जो था, क्लेरिफिकेशन जो मांगा गया था उस पर इसने जो है जवाब दिया है। उसमें इसने क्या बोला है ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए इसने कहा कि दिस हैज रेफरेंस टू क्लेरिफिकेशन शॉर्ट अबाउट द न्यूज आइटम अपेयरिंग इन न्यूज पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड को कोट किया है इसने, डेटेड 3 सितंबर 2020 कैप्शन वेरिजॉन अमेजॉन में इन्वेस्ट ओवर 4 बिलियन इन वोडाफोन आइडिया इन दिस रिगार्ड वी वुड लाइक टू क्लेरिफाई एज अंडर। यानी इसने कहा कि बिजनेस स्टैंडर्ड में जो 3 सितंबर 2020 को जो ये न्यूज आया है कि वेरिजॉन और अमेजॉन जो है इसके वोडाफोन में $4 बिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ। एज ए पार्ट ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी द कंपनी कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर इनहेंसिंग द स्टेक होल्डर्स वैल्यू। मतलब कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी के अनुसार जो है कंपनी हमेशा इस कोशिश में रहती है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर भी करती है ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो है वो वैल्यू बना रहे। एज एंड वेन सच प्रपोजल्स आर कंसिडर्ड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वारंटिंग डिस्क्लोजर्स द कंपनी शैल कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन अंडर SEBI। यहाँ से मेन है
Currently, there is no proposal as reported by the media is being considered at the board. मतलब अभी इस तरह का कोई proposal जो है वो नहीं है जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है, यानी बोर्ड के पास, जो वोडाफोन का जो बोर्ड है उसके पास अभी तक जो है वो कोई भी प्रपोजल इस तरीके का नहीं आया है कि वेरिजोन और अमेजोन जो है वो $4 बिलियन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है. वी विश टू रिटेरिएट एंड क्लेरिफाई द कंपनी विल कंप्लाई विद सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस एंड ड्यूली कीप द स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्म ऑफ ऑल द प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. मतलब ये यहाँ पे ये कहा गया है कि मैं चाहूंगा कि मैं कंपनी चाहेगी कि मैं क्लेरिफाई करूं और सेबी के जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको मैं पूरा करूं और मैं स्टॉक एक्सचेंज को हमेशा मैं इन्फॉर्म करता रहूं जो भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगा उसके बारे में. तो यहां पे वोडाफोन ने खुद लेटर लिख करके इस बात को डिनाई किया है, रिफ्यूज किया है इस बात से कि इसके पास वेरिजोन और अमेजोन से कोई भी प्रपोजल अभी तक $4 बिलियन इन्वेस्ट करने का नहीं आया है. तो ये आज अभी 8 बजे के आसपास जो है ये न्यूज मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वोडाफोन ने दोनों स्टॉक एक्सचेंज को. तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, अपडेट दे दूं मैं इसके बारे में. और इसके साथ ही साथ जो है वोडाफोन ने स्टॉक एक्सचेंज को ये भी बताया है कि इसका 25th एनुअल जनरल मीटिंग जो है AGM मीटिंग वोडाफोन का, ये वेडनेसडे 30 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने जा रहा है. तो इसने अपना जो है एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में भी और अभी इसने आज ही बताया है. ये देखिए 3 सितंबर का है डेट, तो आज ही बताया. तो आज वोडाफोन ने दो इन्फॉर्मेशन दिया स्टॉक एक्सचेंजेस को. पहला इन्फॉर्मेशन ये दिया कि भाई अभी तक ऐसी कोई बात नहीं चल रही है कि वेरिजोन और अमेजोन जो है $4 बिलियन इन्वेस्ट करेगा वोडाफोन में. और दूसरी बात यह है कि हमारा 25th एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो 30 सितंबर को होने जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. तो अब आप लोग इसको देखते हुए जो है आगे का जो भी डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का वो लें. और मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी के पास एसेट्स अच्छा है, कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा है, तो वो कंपनी जो है वो डूबने के कम चांसेस होते हैं और उस कंपनी को कोई ना कोई जो है वो बड़ा प्लेयर मिल जाता है अक्सर, क्योंकि उसे भी उसमें फायदा नजर आता है कि भाई बड़ी कंपनी है, जमी जमाई कंपनी है, कस्टमर अच्छा है, एसेट्स अच्छा है, तो इसमें हमारा स्टेक लेना जो है नुकसान का सौदा नहीं साबित होगा. ऐसा जैसे आपने आलोक इंडस्ट्रीज में भी देखा है, कंपनी का एसेट अच्छा था, रिलायंस ने उसमें भी जो है सो इंटरेस्ट दिखाया खरीदने में. उसके बाद फ्यूचर रिटेल का भी एग्जाम्पल आपके पास अच्छा है, इसका भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स वगैरह, कंपनी का कस्टमर बेस वगैरह बहुत अच्छा था, तो रिलायंस ने उसकी ओर भी हाथ बढ़ाया. तो अब देखिए, इंतज़ार कीजिए, शायद हो सकता है अभी कोई प्रपोजल ना आया हो, आगे चल के कोई प्रपोजल आ जाए, ऐसा हो सकता है. मगर आज कंपनी ने जिस इस बात से डिनाई किया है, ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाह रहा था. और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं जो वीडियो बना रहा था उसमें शुरू में मेरा जो 30-40 सेकंड का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता था, वो मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि सर वो काफ़ी अनवाइंग है, मत करो, वो टाइम किल करता है. तो अब से मैं उसको वहाँ पे डायरेक्ट मेरा वीडियो ही स्टार्ट होगा, कोई इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं होगा. और आपको अगर वोडाफोन में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फंड मैनेजर या अपने किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट कर लें. मेरा इसमें आपको कोई भी शेयर खरीदने या बेचने की कोई भी सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ आपको. और मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com. अगर आपको किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना हो तो मुझे उस ईमेल आईडी पे कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.